हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन विद मॉम। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ कंपैरिजन वीडियो, जो कि है एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, यानी कि मामा अर्थ का जो राइस फेस वॉश जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे विद द फेस शॉप राइस वाटर क्लींजर। दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखते रहिए, एंड स्किप मत करिएगा, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इस फेस वॉश को लेने वाले हैं। सो यस, कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपको कितनी क्वांटिटी इन ट्यूब्स में मिल जाती है। तो पहले तो ये दोनों ही ट्यूब फॉर्म में आती है, और इसे हम जैसे नॉर्मली इसका जो कैप है इसे ओपन करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, तो ये आपको फेस शॉप का जो फेस वॉश है ये आपको 150 ml मिल जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस मामा अर्थ राइस फेस वॉश, तो इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, तो जो द फेस शॉप का फेस वॉश है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किए हुए हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट जो है अच्छे से बताया हुआ है, वो है राइस वाटर। एंड उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे से मेंशन नहीं किए हुए हैं, और अगर मेंशन किए भी हुए हैं तो कोई अलग ही लैंग्वेज है जो कि मुझे नहीं समझ में आती। अगर आपको समझ में आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो इंग्रेडिएंट्स है या फिर प्रॉपर जो डायरेक्शंस है वो दी गई है, और अगर डायरेक्शन ऑफ यूज़ कि हमें कैसे यूज़ करना है इसे, तो इसे पहले हमें फेस वॉश करना है, अच्छे से मसाज करना है अपने फेस को। उसके बाद हमें पहले ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश करना है, उसके बाद फिर कोल्ड वाटर से वॉश करना है, एंड उसके बाद आपका फाइनल स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है हम में से कोई भी नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो हम अपना नॉर्मल जो वाटर आता है उसी से ही वॉश करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। नॉर्मली हमें यूज़ करना है एंड सिंपली प्लेन वाटर से हमें वॉश कर लेना है। लेकिन इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, इफ़ आई टॉकिंग अबाउट दिस मामा अर्थ का राइस फेस वॉश, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से पीछे मेंशन किए हुए हैं। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड क्या होता है, जो कि हमारी स्किन को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें समझ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो येस, दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीछे अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और इन केस अगर आप अमेज़न वगैरह से परचेज करते हो तो वहाँ पे भी आपको पूरी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मिल जाती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी पैराबीन्स एंड सल्फेट, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो जो द फेस शॉप का आपको फेस वॉश मिलता है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पैराबीन फ्री है, ये SLF फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइस वाटर फेस वॉश ऑफ मामा अर्थ, तो इसमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है दैट दिस फेस वॉश इज फ्री फ्रॉम सिलिकॉन, सल्फेट, SLS, SLES एंड पैराबीन फ्री है ये, और इसके अलावा क्रुएलिटी फ्री। वो तो हम सभी को पता है, मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रुएलिटी फ्री होते हैं और वीगन होते हैं। नाउ मेन थिंग कम्स अबाउट द प्राइस, जो कि इसका मेन कंसर्न है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस वॉश, इट कॉस्ट फॉर अराउंड 600 to 650, इन बिटवीन 650 के आपको मिल जाता है, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर इसकी फेस वॉश की, मामा के फेस वॉश की बात करूँ, तो ये अभी न्यूली लॉन्च है तो इतने ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर डिस्काउंट मिल सकते हैं। सो इसकी जो प्राइस है वो है 250 to 260 के अराउंड आपको ये मिल जाता है। सो प्राइस वाइज मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फेस वॉश, ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे चला जाता है, और इसकी जो क्वांटिटी है 150 ml, इसकी 100 ml। एंड येस, दिस इज़ द मेन कंपेरिजन, कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। एंड मेन थिंग, इसमें आपको वाइटामिन B3+ भी मिल जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर एक स्किन टाइप पे जाएगा, बट आई विल टॉक अबाउट दी ऑयली स्किन टाइप पर्टिकुलरली। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस बोथ, ये भी और ये भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, दोनों ही फेस वॉश ऑयली स्किन वालों के लिए भी। एंड इफ अगर आप थोड़ा लोअर साइड पे जाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई इशू नहीं है कि आप 600-650 का फेस वॉश खरीद सकते हो,
देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई द फेस शॉप एंड बोथ द, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस इसमें पता नहीं चला कि हाँ भाई ये ज़्यादा अच्छा है या फिर ये ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है एंड इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी यूज़ कर भी लिया है, इसे मैं अभी थोड़े 10-12 दिन से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगा क्योंकि दोनों ही अच्छे से काम करते हैं, ये भी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है और ये भी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, लेकिन द मेन कंसर्न इज इंग्रेडिएंट्स एंड प्राइस। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है दैट मामा अर्थ के, इसमें हम इंग्रेडिएंट्स कुछ इतने मैंशन किए नहीं हुए हैं, प्राइस इसका थोड़ा सा हायर साइड पर है। तो यस, ये था एक कंपेरिजन वीडियो, आई होप आपको ये कंपेरिजन पसंद आएगा। हाँ, टेक्स्चर की बात करूँ तो द फेस शॉप का जो टेक्स्चर है वो आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है और अगर हम बात करें मामा अर्थ के टेक्स्चर की तो मामा अर्थ का जो टेक्स्चर है वो भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा क्रीमी साइड पे आ जाता है। ये जो नीचे वाला है ये मामा अर्थ का एंड दिस वन इज फॉर द फेस शॉप एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे से लेदर करते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट लेना है और आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, विच इज़ द मेन वर्क ऑफ दी फेस वॉशिज। एंड येस, दिस इज़ अ कंपेरिजन वीडियो, आई होप यू गाइज इंजॉयड द वीडियो, इफ यू इंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप और किन तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। एंड येस, मेरे पास इसका जो न्यूली लॉन्च डे क्रीम और नाइट क्रीम भी है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं बिकॉज मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अगर आप उनका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं उनका भी कंपेरिजन वीडियो या फिर एक रिव्यू वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो येस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।